Here's life update. I'm standing at 14th floor above the ground in my new den. नया साल, नई जगह, नया घर. तो चलो शुरुआत करते हैं डोर से. आपको एक एम्प्टी हाउस टूर देता हूँ और फिर बता दो कि कितना एरिया है और ये रूम एक्चुअली है कहाँ पे. तब तक ये पीछे का व्यू देख लो. होम स्वीट होम. इसके फ्रंट व्यू ये थोड़ा साफ करना है, बट यहाँ से व्यू तो देखो. वो वहाँ पे खारगर है आई थिंक, एंड नीचे एम्प्टी प्लॉट. यहाँ पे कुछ बनेगा आई डोंट नो, बट व्यू इज ज़बरदस्त. चलो पहले घर में एंटर करते हैं. सो दिस इज़ माई लिविंग रूम, लिविंग एरिया. अभी तक यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, सो टेम्परेरी बेसिस पे ये मैट्रेस रख दिया है, तो मैं अभी इसको एज अ यू नो सोफ़ा यूज़ करता हूँ. सो यहाँ पे एंटरटेनमेंट गैजेट्स आ जाएंगे, टीवी एंड ऑल. या सिटिंग कैन बी डन हियर. एंड आई एम थिंकिंग ऑफ डाइनिंग एरिया यहाँ पे हो जाएगा मे बी. सो अभी के लिए तो यही प्लान है, लेट्स सी आगे क्या होता है. एंड दिस इज़ अ वे टू द किचन. यहाँ पे बेसिक किचन यूटिलिटीज ला के रख दी है, अब तो पूरा सेट करना है. एंड ट्वेंटी 24/7 वाटर सप्लाई. एंड यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी भी है जहाँ से वही एंट्रेंस वाला व्यू दिखता है. वो खारगर है, उसके आगे का रोड जो भी है. एंड दिस इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ लिविंग स्पेस. एंड माय फेवरेट प्लेस इज दिस बालकनी. काफ़ी बड़ा बालकनी है, मतलब इफ आई स्टैंड हियर यहाँ पे कॉफ़ी टेबल या फिर छोटा सा बिन बैग वगैरह रह सकता है. रूम का एक स्पेशलिटी मतलब किचन के बालकनी से यहाँ पे पूरा क्रॉस वेंटिलेशन है, सो इट कीप्स दिस रूम इजी ब्रीजी. देखो अभी तक फ़ैन भी नहीं है, फिर भी गर्म तो हो नहीं रहा है. ओके सो लीडिंग टू द फर्स्ट बेडरूम. दिस इज द फर्स्ट बेडरूम और गेस्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस. थोड़ा छोटा है, बट वी आर प्लानिंग टू कन्वर्ट दिस इन वर्क स्पेस, और यू नो गेस्ट आए तो उसका अरेंजमेंट हो जाएगा. एंड इसके लिए भी एक बड़ा सा बालकनी है. बाय द वे दिस इज़ द लार्जेस्ट बालकनी इन दिस हाउस, बिकॉज ये थोड़ा इसके आगे भी है एंड बहुत सारा सनलाइट यहाँ से आता है. सो लेक क्रॉस करके वहाँ पे एक सैन पनवेल एक्सप्रेस हाईवे एंड विच इज़ नियरली 10 मिनट्स अवे फ्रॉम योर वॉकिंग 10 मिनट्स और बाई कार और बाइक 5 मिनट करोड. एंड ये बालकनी से, दोनों बालकनी से एक्चुअली एंट्रेंस भी दिखता है. एंड येस ये फर्स्ट फ्लोर पे प्लेइंग एरिया, ये स्विमिंग पूल है जो अभी तक चालू नहीं हुआ, हो जाएगा. अभी मास्टर बेडरूम जाते हैं, बट मास्टर बेडरूम से पहले दिस इज द कॉमन वॉशरूम. कोई गेस्ट वगैरह आया तो उनके लिए इजी एक्सेस तो होना चाहिए ना. This is bathroom, toilet, washroom, anything that you want to call it. And this is master bedroom. ये guest bedroom से थोड़ा बड़ा है, मतलब यहाँ पे वो जो mattress था बाहर वो डाल के भी room में बहुत ज़्यादा space बच जाता है. And yes, यहाँ पे एक wardrobe भी ला के रख दिया है मैंने temporary basis पे. And this is the master washroom because मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है. सो दिस इज मास्टर बेडरूम, मास्टर वॉशरूम सॉरी. एंड इसको थोड़ा क्लीन करना बाकी है. एक्चुअली मैं इधर रह रहा हूँ तो इधर कोई यूज़ होता ही नहीं है, बस वही वॉशरूम यूज़ होता है. तो इसके पीछे पता नहीं ये थोड़ा मुझे वेट लगा, मतलब ये डोर ओपन होने के बाद उसके पीछे इन्होंने बेसिन दिया है. मतलब ये डोर को थोड़ा उधर शिफ्ट करके ये इधर हो सकता था तो थोड़ा अच्छा होता, थोड़ी अच्छी फीलिंग आती. बट एनी वेज इसके लिए भी एक छोटा बालकनी है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाएगा. एंड इधर से व्यू वही अपना खारगर वाला.
एंड येस दिस इज द बैल्कनी ऑफ मास्टर बेडरूम। ये थोड़ा छोटा है, यहाँ पे मे बी प्लांट्स ही आएंगे तो मैं यहाँ पे सारा प्लांट से भर दूंगा और मे बी ग्रीन कारपेट। अभी तक तो सोचा नहीं है, बस ये सब प्लानिंग में है, फ्यूचर में आ जाएगा। सो दिस इज 900 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया एंड 1200 का कोई सुपर बिल्डअप एरिया है जो नवी मुंबई में 13,000 to 15,000 के रेंट रेंज में रेंट पे मिल जाता है आसानी से। सो मूविंग टुवर्ड्स द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस अपार्टमेंट, सबसे बड़ा प्रो, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि नवी मुंबई में बिल्कुल हर जगह से सेंटर में है। मतलब अगर मुझे यहाँ से पुणे जाना है, मुंबई जाना है या फिर नासिक भी जाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे 10 मिनट पे है, फिर साइन पनवेल एक्सप्रेस हाईवे भी 10 मिनट पे है जो जाता है टुवर्ड्स मुंबई एंड नासिक। सो अगर आपको कहीं भी जाना है तो ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत नहीं। जब मैं पहले वेस्टर्न साइड पे रहता, वेस्टर्न मुंबई में रहता था सबर्ब्स में, तो मुझे ये यहाँ पे जो नवी मुंबई में आने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 hours 3 hours चले जाते थे, तो मतलब वो टाइम ट्रैवल पीरियड बढ़ जाता है। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज बहुत सारा नेचुरल लाइट एंड हवा आता रहता है, तो घर में एज सच लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जब तक सनसेट नहीं होता तब तक आप सनलाइट रहते रहो और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हवा, फ्रेश हवा बोल सकते हो, बिकॉज नवी मुंबई में उतना पोल्यूशन तो है नहीं, आपको सनसेट देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मतलब जैसे मैं अभी बालकनी में बैठा हूँ, मेरे सामने सनसेट हो रहा है, यहाँ पे बैठे बैठे आप ये सनसेट देख सकते हो। हाँ, ये पूरा नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा, बिल्डिंग के पीछे जाके छुप जाता है, बट यस दिस इज इवनिंग। एंड मूविंग टूवर्ड्स द कॉन्स, यस कंस्ट्रक्शन थोड़ा बेटर हो सकता था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मास्टर बेडरूम का जो बेसिन था, वॉशरूम था, वो थोड़ा यू नो भूतिया लगता है मेरे को। अगर वो थोड़ा अच्छे से होता तो फिर थोड़ा अच्छा लगता, थोड़ा ही यू नो अच्छी वाइब्स आती, बट उसको थोड़ा रेनोवेट करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके वो सब ठीक हो जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेजेस, यहाँ से हर किसी का बैल्कनी दिखता है, मतलब आधा आधा तो दिखता ही है। अभी पता नहीं ये डिसएडवांटेज है कौन है या नहीं, बट मेरे लिए है। मतलब अगर ये मेरा बैल्कनी है सो दिस इज़ माई नेबर्स बैल्कनी एंड इसके ऊपर और किसी का है, तो यहाँ पे प्राइवेसी का थोड़ा इशू है, बट नेबर्स अच्छे तो प्रॉब्लम नहीं है। सो एक्चुअली दिस इज़ अ ब्रांड न्यू फ्लैट, यहाँ पे यू नो पोजीशन के बाद वी आर द फर्स्ट रेसिडेंट इन दिस फ्लैट। सो आगे जाके जो भी प्रॉब्लम होगा, मतलब लीकेज का और वो पानी वानी का जो नॉर्मल रहता है, लाइट का तो इशू है नहीं यहाँ पे, बट अगर आगे कभी हुआ तो फिर वो जैसे रहेंगे वैसे पता चलता जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो कबूतर है बहुत सारे हैं, मतलब जब हम पहली बार देखने आए थे सब कबूतर भरे हुए थे। अगर जहाँ पे कोई रहता है वहाँ पे कबूतर आते नहीं है, बट यहाँ पे घूमते रहते हैं आसपास। तो अगर आप समझो एक हफ्ते के लिए नहीं हो घर पे तो आपके घर पे कब्जा कर सकते हैं। बाय द वे, वी हैव डिसाइडेड टू फॉलो अ रूल दैट इज़ मिनिमलिस्टिक हाउस। मतलब जितना सामान चाहिए, जितना नेसेसिटी है उतना ही सामान लाओ, उतना ही सामान रखो, बाकी का रामझाम चाहिए ही नहीं। सो अभी के लिए जो नेसेसिटी है, नेसेसरी सामान है वो लेके आए हम लोग। मतलब जैसे कि वही किचन का हुआ, बैठने का हुआ, सोने का हुआ, तो वो सब तो है, उसका भी अलग से लॉक बना हुआ है, आप देख सकते हो नीचे, इसके बाद आएगा वो। एंड डू लेट मी नो कैसा लगा, अगर वैसे आपको लॉक अच्छे लग रहे तो बहुत सारा सामान लेना बाकी है घर में। जैसे जैसे रहेंगे वैसे वैसे लोग आते रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस हाउस टू, मोर फन इज़ अबाउट टू कम, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय बाय।